खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आना था, जिसका इंतजार जनता सुबह से सभा स्थल पर कर रही थी, लेकिन अब उनका आना निरस्त हो गया है, जिससे जनता आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं कि इधर उधर भाग रही है। आइए हम जनता से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ से आई हैं और उनको किस तरह। जी क्या नाम है आपका, बता दीजिए ना। जसोदा। कहाँ से आई हैं? लूणा राजापस। हाँ, जैसे आप इतनी सुबह से बैठी हैं और मुख्यमंत्री जी आए नहीं, तो आप किस तरह की कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा नहीं लगो है, वहाँ नहीं है सो अच्छा नहीं लगो। आ जाते तो खुशी होती, अच्छा लगते कि हाँ भाई आ है, और नहीं है आए तो है मन उदास करके घर जाते। क्या करें, हम और लोगों से जानते। भैया भैया रुक जाइए, जी आपका परिचय? मैं मुन्नीलाल यादव, जनसेवक टीकमगढ़ जी। जैसे आज मुख्यमंत्री जी को आना था और उनका आना निरस्त हो गया है, काफी जनता यहाँ पे सुबह से बैठी हुई है इंतजार करती, नहीं आए हैं, तो आप क्या, आपको क्या लगता है? क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था लेकिन इतनी भारी बारिश हो रही थी कि वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था। ऐसी स्थिति में है, चूँकि उन्होंने जो भूमि पूजन करना था ऑनलाइन हो गया है, जो बहनों को 450 रुपये का सिलेंडर आज जो योजना लागू करना थी वो कर दी है, तो काम तो हो गया है, परंतु बस शिवराज जी आते रहेंगे और उन्होंने वादा किया कि हम फिर आएंगे, लेकिन मौसम का अगर कोई खराब हो गया तो मजबूरी है, इसलिए अब जनता तो आई है। किस किस चीज़ का भूमि पूजन किया है? ये मेडिकल कॉलेज का। आइए हम और लोगों से जानते हैं। अपने आप से कहती सुबह से रहते हैं। रुक जाइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? बुढ़ेरा प्रेनिया से। क्या नाम है आपका चाचा? फूलचंद। कहाँ से आए हैं? बुढ़ेरा प्रेनिया से। कब आए थे आप? अभी हाल आए। कितने टाइम हो गया? 2 घंटा हो गया। क्या उम्मीद थी आप यहाँ आने का, क्या मतलब? हम हुए? हाँ, किस उम्मीद से आए थे? मुख्यमंत्री आए थे, सुबह आए थे। कोई समस्या वगैरह भी लेके आए थे? हाँ, समस्या अब आए थे तो अब जा रहे हैं, अब लोग अब जैसे नहीं आए। मुख्यमंत्री अब नहीं आए हैं तो किस तरह की दिक्कत है हम लोगों को? हमन को आवेदन भी देने थे, कई लोग परेशान हैं, हम लोग कोई सुनता भी नहीं है। हमारा आसाराम अहरवान नाम है, हम ग्राम बरखिरिया से आए हैं। किस चीज का आवेदन लेके? ये देखिए, हमारा मामला चल रहा है कम से कम 5 साल हो गई प्रकरण को, हरिजन एक्ट का इसमें आरोपी है, जो वो नौकरी भी कर रहा है सर, और उसको अभी सजा भी नहीं दिलवाई गई है। 5 साल से हमारा चल रहा है जो आवेदन भी हमने शिवराज सिंह को कई बार दिया है, कोई सुनता नहीं है, और दबारा भी जा रहा है कि तुम राजीनामा कर लो वरना सागर जैसा तुमको भी मार दिया जाएगा। हरिजन एक्ट का मामला है, उसमें सर जो है फरे अपराधी है, जो पटवारी पद पर सर नियुक्त है, और जेल से पहले उसकी नौकरी नियुक्त नहीं हुआ था, जेल जाने के बाद सर उसकी नियुक्ति हुई है। हम परेशान हैं, दोबारा भी जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हैं सर, हमारे 4-5 बच्चे भी हैं सर, और कोई सुनता नहीं है सर। हम लोगों को मारपीट की थी, दीपेंद्र तिवारी परिवार सर उपसरपंच प्रधान भी थे, दमंगी हैं सर, पेपू सर भी हैं, उनके पिताजी लोग सब रहे परिवार वाले, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है सर। और आप हमारी और लोगों से जानते हैं यहाँ पे, आपको क्या लग रहा था कि अगर वो आते तो आप अपनी बात रखते? हाँ, हम लोग को लग रहा है कि वो आते तो हम उनसे बात भी करते कि क्यों ऐसा, क्यों अत्याचार हो रहा है हमारे टीकमगढ़ जिले में, ऐसा क्यों मतलब पावरफुल चल रहे हैं कि जो कि अपराधी होके भी नौकरी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग चल रही है। इसके पहले मिले उनसे? हाँ, इसके पहले भी हमने कई जो जतारा में भी हमने वो दिया था आवेदन, और हमने बगाज माता में भी उनको दिया आवेदन, लेकिन इसकी कोई आते हैं उनके रिश्तेदार संबंध तो दमंगी से पैसा ले लेते हैं और कोई सुनता नहीं है, और रिपोर्ट फर्जी कर देते हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा है कोतवाली से अभी 5 साल हो गए, 2014-15-16 में हुआ था सर जी प्रकरण, अभी तक हमको इसका निराकरण चाहिए। निराकरण अपन लेंगे, शासन से लेंगे, और जब तक निराकरण नहीं होगा इसके पहले उसकी नौकरी हटवाई जाए, निराकरण के बाद उसकी नौकरी लगवाई जाए, हमारा जी कहना है। आप कहाँ से आए थे चाचा? आलमपुर।
क्या नाम है आपका? मोहन कुशवाहा। कब आए थे, कितने दिन? अभी अभी तो आए हैं। मिल पाए मुख्यमंत्री? नहीं 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 नहीं। जैसे नहीं आए, इतने टाइम से बैठे, किस तरह का समय बर्बाद हुआ? बर्बाद हुआ। हम लोग आलमपुरा ग्राम, आलमपुरा जिला, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से है वही लगभग 50-60-70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोग आए हैं। तो चलो आ रहे हैं सब हैं, तो हम लोग देखेंगे हर चीज जनता के लिए, हर चीज करेंगे। लेकिन आए नहीं हम लोग, क्या करेंगे? क्या उम्मीद थी आपके? हम उम्मीद देते कि भगवान आएंगे तो अच्छा, सबको जनता को अच्छा करेंगे। दर्शन मिलेंगे हम लोग, अब आए नहीं तो बता लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। हाँ जी, हाँ बोला था 1000 रुपए महिलाओं लाडली बहना को दे रहे हैं, और 1000 रुपए और बोला के मालूम बुरी आदमी है जो उनको भी देंगे। हम जो किया हमने आए नहीं है तो रैली में आने के लिए जी आने का पैसा मिलता? कहाँ मिला है पैसा, किसने दिया है? नहीं कहाँ मिला है, तो हम लोग